एक शिक्षिका को अपने विद्यालय के प्रिंसिपल से ही आंखें चार हो गई और मामला शादी तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। हालांकि उसकी विदाई थाने से हुई। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे शहर में है। एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को उसी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका से प्रेम हो गया। दोनों शादी कर जिंदगी भर साथ रहने के लिए राजी हो गए। लेकिन मामला तब फंस गया जब लड़की के परिवार वाले इस शादी से इनकार कर दिए। लेकिन दोनों को एक होना था, इसलिए दोनों ने किसी की परवाह किए बिना मंदिर में जाकर अपनी मर्जी से राजी खुशी से शादी कर ली और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए। मैम, कैसे कहां पर मुलाकात हुई थी आप लोगों की? स्कूल में। स्कूल में मुलाकात। और कैसे फैसला कर लिया कब इनके साथ जीवन बिताना है? क्योंकि अच्छे लगे, बस इसलिए। हाँ, घर तक बात पहुंची, बस हो नहीं पाया वैसा कुछ, इसीलिए। तो आपके घर वाले और इनके लड़के के घर वाले खुश हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स को दिक्कत था, फिर बात वो लोग मान भी गए, मगर फिर लास्ट मोमेंट पे एंगेजमेंट तोड़ दिया गया, इसीलिए हम लोग ने ये स्टेप लिया। कैसी मुलाकात हुई? कैसी मुलाकात हुई आपकी? हम लोग 5 साल पहले मिले थे। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? स्कूल में, न्यू एयर एकेडमी स्कूल में। कैसे शादी तक अंजाम पहुँचाई? बस हम लोगों को इधर, हम लोग लगभग 25-30 दिन पहले अपने पेरेंट्स को है ना बताए, तो मेरे पेरेंट्स सारे रेडी थे और इनके लड़की पक्ष के रेडी नहीं थे, तो इनके साथ घर में है ना मारपीट किया गया और बहुत बुरा बर्ताव किया गया, जिसके कारण आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। कहाँ शादी की है? बुढ़ानाथ मंदिर में। बुढ़ानाथ आज ही की है? जी। परिवार वाले विरोध जताते रहे, मगर दोनों के प्रेम के सामने उनकी एक न चली। इस अनोखी शादी की घटना इसाकचक थाने की है। प्रिंसिपल दूल्हा सरोज वर्मा ईश्वर नगर में एक स्कूल चलाता है, जबकि दुल्हन शुभांगी प्रियदर्शनी मूल रूप से गुड्डा की रहने वाली है और उसी स्कूल में शिक्षिका है। दोनों के बीच 5 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, अंततः दोनों एक दूसरे के हो ही गए। इसाकचक थाने में दोनों पक्ष के परिजन भी पहुंचे थे। लड़की वाले इस शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन की सहमति होने के बाद इसाकचक थानेदार ने दोनों की शादी करने से रोकने का प्रयास विफल करते हुए शादी की कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद दोनों दुल्हा दुल्हन खुशी खुशी अपने घर गए। वहीं इसाकचक थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दोनों प्रेमी जोड़े बालिग हैं और दोनों शादी करने की राजी जताई, मगर लड़की के परिवार वालों की तरफ से कुछ विरोध किया जा रहा था। लेकिन मामले में उचित कार्रवाई करते हुए दोनों की शादी रचाई गई और दोनों जोड़ी की मंदिर में शादी कराकर थाने से विदाई करा दी गई। लड़की के माँ बाप आए थे कि उनकी बच्ची का को जबरन जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब के द्वारा मतलब कि जबरन शादी कर ली गई है, जबरन उसके उसे अब ले जाया गया है। इस मामले की सत्यता की जांच कराई गई। दोनों बालिग थे, दोनों शादी कर चुके थे, दोनों को थाने पर लाया गया। उसके बाद दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों लड़का लड़की चूंकि बालिग थे, इसलिए उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर एक पीआर बाउंड किए। लोग हमेशा शादी के सूत्र में बंधे रहेंगे, तथा इन्हें 3 महीने का समय दिया गया कि ये रजिस्ट्रेशन करवा लें और इन्हें फिर चूंकि बालिग थे तथा उन दोनों की मर्जी से उन लोगों को जाने दिया गया और वे लोग सुखमय जीवन बिताएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। लड़की के परिवार वाले क्या अब राजी हैं, शादी से खुश हैं? ये मुझे पूरी पता नहीं। हम लोग तैयार हैं, लड़की लड़का पक्ष पूरी तरह तैयार है। थाने में है, थाना आए थे तो कितना कॉपरेट मिला? बहुत सर ने बहुत कॉपरेट किया, अच्छा लगा। आगे का सफर अब किस तरह से हो? बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे कटेगा जिंदगी? बहुत बढ़िया से कटेगा। लड़की पक्ष वाले खुश नहीं हैं? वो भी खुश हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास है ऐसा। क्या तो अब आगे का सफर कैसा रहेगा आप लोगों का? अच्छा रहेगा। कितना खुश है? बहुत।
तकरीबन 8 बजे सुबह भागलपुर के हवाई अड्डा स्थित रनवे पर भागलपुर की सच्चिदानंद नगर कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड फौजी की संदेहास्पद मौत हो गई। लोगों के मुताबिक वह प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह हवाई अड्डा रनवे पर आया करते थे। अचानक वह टहलने के क्रम में जमीन पर गिरे, वहीं उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। आसपास टहल रहे लोगों ने थाने को सूचना दी, फिर आनन फानन में से मायक अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का रोकर बुरा हाल है, वहीं पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। उनकी मौत पर कुछ लोग हार्ट अटैक बता रहे हैं तो कुछ लोग चुप साध रहे हैं। अभी यह जांच का विषय है। पे देखे गए वो जो है ना सुबह में जॉगिंग करने के लिए जो आते थे पूरा चित पड़े हुए थे, पूरा भीड़ लगा हुआ था यहाँ पे। और फिर प्रशासन आए तो देखे यहाँ पे, तो फिर लेके उनको यहाँ से इलाज के लिए जो भी के लिए मायागंज बोले लेके गए। उनका जिनका आदमी थे वो भी आए थे, वो भी अपना कहां पर वो आदमी गिरा हुआ था ये हवाई अड्डा में। क्या लगता है कि किस तरह की हत्या वगैरह? हत्या वगैरह तो नहीं लग रहा था, कहीं स्क्रेच फिस्क्रेच कुछ नहीं था। ये जो है चितंग पूरा चित गिरा हुआ था, हार्ट हेडेक के लिए ही सब बोल रहे थे सबकी हार्ट हेडेक के लिए। हाँ हार्ट हेडेक में ये घूमने के लिए शायद आए हुए थे लोग बता रहे, जैसा कि देखे कि घूमते हुए देखे थे। घूमने क्रम में लगता कि पता नहीं क्या हुआ, तो हमको सूचना मिला, गश्ती में थे थाना अध्यक्ष हमको सूचना दी कि ऐसी बात है, तो हम गश्ती में तुरंत पहुंच गए तो देखें ये लेटे हुए हैं। क्या स्थिति में देखें? क्या स्थिति? जैसे आप देखे हैं उसी तरह से वही स्थिति देखें, गिरे हुए चित लेटे हुए, दोनों हाथ चितरा हुआ। सबको कहाँ पे इलाज के लिए भेजा गया था? अब तो डॉक्टर साहब के पास में लता कि मरे हुए हैं। कितने देर पहले आप लोग को जानकारी मिली थी? लमसम 9 बजे में तो हमको मिला सूचना, तो हम पहुँचे हैं यहाँ। जैसे सूचना मिला 5 बजे पहुँच गए। मैं सुबोध कुमार शास्त्र प्रपति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, अंग डेवलपर्स 0 माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहर वासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स। सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में। तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आस्था का महापर्व छठ पूजा कल से नहाय खाय के साथ प्रारंभ हो गया है। दूसरे दिन खरना पूजा है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद लाने की परंपरा है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। खरना करने वाली महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, जो मन की शुद्धता के लिए किया जाता है। इस दिन छठ मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ जगहों पर खीर को रसिया भी कहते हैं। खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले व्रती को दिया जाता है, उसके बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं छठी मैया की गीत गाती हैं। बाजार भी सज धज कर तैयार हो गए हैं। नारियल, सूप, फल जैसी पूजा के सभी सामान लेने वालों की बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। क्या महत्व है खरना का? महत्व की आज के दिन से छठ का जो चार दिन का पर्व चलता है, पहला दिन कद्दू भात नहाय खाय होता है, दूसरे दिन आज से उपासना शुरू हो जाती है। खरना का महत्व है कि आज उपास होगा, शाम में खरना का जो है प्रसाद बनेगा, उसमें रसिया बनता है, खीर बनता है, पूड़ी बनता है उसका होगा। फिर शाम में जो बनने का और बनाने का जो विधि होता है, वो लकड़ी के चूल्हे पे रसिया बनता है। फिर शाम में उसका अर्घासन जो होता है, सूर्य का जो है पहला अर्घ आज के दिन ही पड़ता है, जो वो मतलब कि रात में दिया जाता है। फिर वो हम लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। छठ का जो है पहला प्रसाद जो है खरना का ही होता है। भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा के तीसरे दिन छठ व्रती तालाब, नदी, पानी की स्रोत में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, जिसको लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित कई पार्षदों के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट का निरीक्षण किया गया, जहां की सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर ने काफी सराहना की और कहा कि अब छठ व्रतियों को घाट पे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। छठ व्रती तालाब, गंगा नदी आदि पानी के स्रोत में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को तीसरे दिन भगवान भास्कर की आराधना में जुट जाएंगे। प्रसाद की वस्तुओं से भरे सूप और टोकरियों को घाट पर ले जाया जाता है, जहां सूर्यदेव और छठी मैया को संध्या अर्घ दिया जाता है। इस दिन भक्त ना कुछ खाते हैं, ना ही जल पीते हैं। निर्जला व्रत छठ के चौथे या अंतिम दिन की सूर्योदय तक जारी रहता है। सब लोगों ने इतनी मेहनत की है कि इस घाट को बेहतरीन बना दिया है और हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होगी छठ व्रती को, और बहुत आसानी से यहाँ पर वो लोग पूजा कर पाएंगे। और जहाँ तक और भी जो भी सुविधा देने की बात है, ब्लीचिंग, चूना और फिटकरी, इस सब की भी व्यवस्था मैं करवाऊँगी, मैं बात करूँगी कि उसकी व्यवस्था हो जाए और व्रती को कोई तरह का परेशानी नहीं हो। इसके लिए स्लोप भी बनाने के लिए मैं बोली हूँ कि आप जो इतना मेहनत किए ही हैं तो थोड़ा और स्लोप बना दें, ताकि उनको जाने में, पानी तक जाने में सुविधा हो। तो लगता था कि ये संभव होगा नहीं होगा, लेकिन सारे लोगों के प्रयास से, कॉरपोरेशन के प्रयास से ये एक अच्छा आज रूप ले चुका है। और ये आस्था का त्यौहार है, ऐसा त्यौहार है न कोई किसी से चंदा चिट्ठा काटता है, न प्रशासन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, न गलत किस्म का कोई स्लोगन लगता है। इस त्यौहार का एक अलग ही बिहार में अहमियत है और हम लोग इसे हर और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और कल इस घाट का भी दृश्य और ही कुछ होगा। यहाँ की जो समिति है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और साथ साथ नगर निगम भी, मेयर साहबा और नगर आयुक्त साहब, जो भी सुविधा प्राप्त हो सकती है उसको किया जाएगा। छठ पर्व में श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन खुद हर छठ घाट का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। उनके साथ एसएसपी आनंद कुमार भी हर छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त से उसे जल्द दुरुस्त करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि हर वर्ष बरारी पुल घाट में सबसे अधिक छठ व्रतियों की भीड़ लगती है, लेकिन इस बार घाट काफी दुरुस्त नहीं हो सका, इसलिए पुल घाट के पश्चिम क्षेत्र में श्रद्धालुओं को अर्घ देने में सुविधा होगी। इसलिए लोगों से भी पश्चिमी क्षेत्र में गंगा घाट का उपयोग करने
करने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गंगा घाटों का निरीक्षण के मौके पर एसएसपी आनंद कुमार के साथ साथ नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, नगर निगम के कई पदाधिकारी और जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग देख रहे हैं विभिन्न छठ घाटों को, तो इस बार जैसा कि आप लोग भी सब लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जो पहले का पुल घाट हुआ करता था विक्रमशिला पुल के नीचे, तो एक तो वहाँ जो फोर लेन पुल का निर्माण होना है नए पुल का, उसके कारण से थोड़ा सा जो है वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया है। दूसरा, नदी का भी जलस्तर इस बार नीचे चला गया है, तो उस पोर्शन में जो है हम लोग अभी काम करवा रहे हैं, नगर निगम करवा रहा है काम, लेकिन हो सकता है कि वहाँ जो है लोगों को छठ करने में उतना बड़ा घाट जो है उस साइड में पूर्व साइड में अवेलेबल ना हो पाए, लेकिन जो इधर का पोर्शन है पश्चिम साइड का, इसमें आपका जो सीढ़ी घाट पुराना जो होता था और जो नया जो हम लोगों का रिवर फ्रंट जो स्मार्ट सिटी के तहत बन रहा है उसके बनने के कारण पूरा कनेक्ट हो गया है, बड़ारी पुल घाट और उधर का सीढ़ी घाट का पोर्शन, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर स्पेस भी मिला है और जिससे श्रद्धालुओं को जितने छठ व्रती हैं उनको जो है अपना पूजा करने में अर्घ देने में काफ़ी सुविधा होगी। जो श्रद्धालु आते हैं काफ़ी संख्या में उनको भी आने जाने में सुविधा होगी, तो इस पोर्शन पे हम लोगों का विशेष ध्यान है और हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रचारित प्रसारित भी कराने जा रहे हैं कि जो लोग बड़ारी घाट की तरफ छठ करने के लिए आ रहे हैं वो इस साइड में जिधर सीढ़ी घाट है उस तरफ उस साइड को प्रेफर करें, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है घाट भी है, सीढ़ियाँ भी बन रही हैं, तो लोगों को अर्घ देने में लोगों को बैठने में सुविधा होगी। नगर निगम की टीम लगी हुई है, चूँकि स्नान का कार्यक्रम भी जो है लगातार चल रहा है, पुराना ये घाट है, यहाँ काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं, तो साफ़ सफाई की स्थिति को और बेहतर करने के लिए नगर आयुक्त को बोला गया है, वो खुद कैंप करेंगे और इस पूरे परिसर को जो ये पूरा क्षेत्र है इसको साफ़ सफाई आज भी और कल भी जो है इंश्योर कराएंगे ताकि किसी तरह की समस्या जो है श्रद्धालुओं को ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे घाट भी काफ़ी संख्या में भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में निकले हैं, जैसे बूढ़ानाथ है, जहाज घाट है, आदमपुर वाला जो एरिया है, उसके अलावा जो आप देखेंगे मुसहरी घाट है, वहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जा सकते हैं। सबौर की तरफ भी हम लोगों ने कल देखा है, वहाँ भी काफ़ी लोग शहर के जाते हैं, तो वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जो वहाँ का नगर निकाय है, पूजा समितियाँ हैं, सबके तरफ से हम लोग करा रहे हैं। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की भी पर्याप्त प्रतिनियुक्ति की गई है, ट्रैफिक प्लान भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं 1800 से ज़्यादा, ICCC जो है पूरी तरह से फंक्शनल रहेगा, जहां से एक एक घाट के और आने जाने वाले रास्तों की निगरानी होगी। लोगों से भी अपील है कि शांति और सौहार्द के साथ जो है छठ पूजा को सेलिब्रेट करें, यही हम लोगों की आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर के बाजारों में खरीदारी करने श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व को लेकर बाजार में सूप पर चढ़ाने के लिए सामग्रियों की खरीदारी करने के लिए जिला सहित जिले के बाहर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोहिया पुल के नीचे से लेकर वैटी चौक तक लगे फुटकर दुकानों में खरीदारी करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शुक्रवार से नहाए खाए के साथ यह पर्व शुरू हो गया, जो सोमवार तक भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद सम्पन्न हो जाएगा।